सुबाई तो बाहर आए थे, आप अभी फिर मुझे ले आए। क्योंकि सुबह बहुत सी बातें अधूरी रह गई। मेरी तो जिंदगी में सब कुछ ही अधूरा रह गया है। सारी जिंदगी नहीं, हाँ शायद तुम्हारे माजी का कोई ऐसा हिस्सा जरूर हो जब तुम्हारी कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई हो। माजी कितना अजीब होता है ना, कितना जालिम, पीछा ही नहीं छोड़ता, साथ चिमन चाहता है। देखो अगर हम माजी के बजाय हाल और मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे तो पिछला वक्त बाकी मिट जाएगा, जैसे समंदर की गीली रेत पे अगर हम कुछ लिखे हैं तो पानी की लहरें उसे मिटा देते हैं। जैसे समंदर की गीली रेत पे नंगे पांव चलने से कितना सुकून मिलता है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे दिल की सारी परेशानियां ना पांव के तलवों से निकल गई और पानी की लहरें उन्हें अपने साथ बहाते हुए गहराई की तरफ ले गई। आप समंदर से बहुत मुतासिर लगते हैं, कितनी गहरी बातें करते हैं। दिल की बातें, वैसे भी हर इंसान का दिल एक समंदर ही तो होता है जिसके अंदर बहुत सारे एहसासात और जज्बात छुपे हुए हैं। चिता, मैं तुमसे अपने दिल की सारी बातें शेयर करना चाहता हूं। वो बातें शायद मैंने जिंदगी में कभी भी किसी के साथ नहीं की।